हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट बाबू की। कल के एपिसोड में आप लोग जबरदस्त कुछ चीज देखने वाले। अब तक हमने देखा है अनिरुद्ध और बोंदिता चंडीगढ़ जाती है, जिसमें बहुत धूमधाम से एक शादी हो रही होती है। अनिरुद्ध बोंदिता भी बहुत खुश होती है उस शादी में, क्योंकि वो दोनों छुप जाते हैं शादी में और बहुत मस्तियाँ भी करते हैं। उसमें से उस लड़की की हल्दी होती है, जिस वजह से अनिरुद्ध और बोंदिता भी अपनी हल्दी की रस्म पूरी कर लेते हैं। हल्दी की माहौल देख के अनिरुद्ध भी बोंदिता के लिए कुछ हल्दी लेके जाती है। जाने के बाद अपनी हाथों से बहुत प्यार से बोंदिता को हल्दी लगा देती है। उसके बाद दोनों की हल्दियाँ खत्म हो जाती है। फिर उस लड़की की हल्दी शुरू हो जाती है, सब लोग डांस कर रही होती है, जिस वजह से बोंदिता भी सब लोगों के साथ डांस कर रही होती है। और अनिरुद्ध दूर बैठे बोंदिता की डांस एंजॉय करते हैं। उसके बाद दिखाई देता है अनिरुद्ध बोंदिता को एक जगह में ले जाते हैं। जाने के बाद उसकी पैरों में पायल पहना देती है। तभी एक ट्विस्ट आती है, जिसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वहाँ पे चंद्रचूर आ जाती है और चंद्रचूर आके देख भी लेता है अनिरुद्ध बोंदिता को पायल पहना रहा है, और बोंदिता भी देख लेता है चंद्रचूर आया है उनकी पीछे, पर अनिरुद्ध नहीं देखता। तो ये चंद्रचूर अब क्या करेगा बोंदिता और अनिरुद्ध के साथ, ये जानने के लिए देखते रहिए बैरिस्टर बाबू ऑनलाइन कलर्स टीवी। और ऐसे अपडेट पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।